है अड़तियों खिलाफ अध्यादेश लाई है उसका आंखों पर पट्टी बांध कर विरोध करना है, क्योंकि सरकार भी अंधी बनी हुई है, इसलिए आंखों पर पट्टी बांध कर हम सरकार को जगाना चाहते हैं। और सरकार अब तक नहीं जागी है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री जियों का बयान था कि ये अध्यादेश किसानों के लिए उसका कवच का काम करेगा, जबकि ये अध्यादेश तो किसानों को बर्बाद करने वाला अध्यादेश है। क्योंकि जब किसान की गर्दन पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी और जो सरकार की नीति है उस नीति के तहत मंडियां हमारी ख़त्म हो जाएंगी, तो उसके बाद ये जो सरकारी कंपनियां हैं अपनी मनमर्जी करेंगी और सरकार की इसकी किसान की फसल को अपने मनमाने रेट पर लेंगी। जब किसान को मंडियों में अपने फसल बेचने के लिए ही जगह नहीं मिलेगी, मंडी नहीं रहेंगी, तो ये अपनी मोनोपोली चलाएंगी। हाँ, हमारा आज का एक और कार्यक्रम है, हमारे जो नेता है डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और यहाँ से एमपी विजेंद्र सिंह है, जो अपने आप को किसानों को हमदर्द बताते हैं, एक देवीलाल का वारिस बताता है और एक छोटू राम का वारिस बताता है, उनको आज हम अपने किसान आढ़ती मजदूर भाइयों की तरफ से आज एक चिट्ठी लिखेंगे। अगर आप सच्चे किसानों के हमदर्द है तो अपना अपना इस्तीफा देकर किसानों के बीच में आकर बैठें और किसानों की आवाज़ को बुलंद करें, जिससे सरकार को झुकना पड़े और इन तीनों अध्यादेशों को खारिज करना पड़े। का हमारा रोड जाम करने का है और सरकार को ये संदेश देना है कि अब किसान जाग चुका है, किसान अब ना झुकेगा ना डरेगा। वैसे लाठी और गोली से सरकार किसान को झुकाना और डराना चाहती है, लेकिन आज किसान जाग चुका है, अब किसान अपनी जान देने से भी नहीं रुकेगा।